हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ रेप करने और फिर जलाकर मारने के मामले में चारों आरोपी शुक्रवार सुबह एनकाउंटर में मारे गए। एनकाउंटर के बाद तेलंगाना पुलिस ने प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी। साइबराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सजनर ने कहा कि पुलिस कस्टडी मिलने के बाद 4 और 5 दिसंबर के दिन हमने आरोपियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि जांच के बाद 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 6 दिसंबर की अलसुबह पुलिस सीन रिक्रिएट करने गई। इस दौरान मोहम्मद आरिफ और केशवुलू ने हथियार छीना। उन्होंने कहा कि एक आरोपी ने पुलिस से बंदूक छीन कर फायरिंग की। सीपी ने दावा किया कि इस मामले में उनके पास ठोस सबूत है। सीपी ने बताया कि उन्होंने आरोपियों से बरामद हुए हथियारों को भी सीज कर लिया है। चारों के शव पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल के लिए अस्पताल में भेज दिए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि शुक्रवार सुबह 5:45 से 6 बजे के बीच एनकाउंटर हुआ। बताया गया कि आरोपियों का एक आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। 4 में से एक आरोपी की उम्र 24 साल थी, वहीं अन्य 3 की उम्र 20 साल के करीब थी। वीसी सजनर ने कहा कि आरोपियों के साथ 15 सिपाही गए हुए थे। हम सभी की डीएनए जांच भी करवाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों की डीएनए जांच करवाई जाएगी। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि आरोपियों ने ही पीड़िता का बलात्कार कर उसे जलाया था। पुलिस ने अपील की है कि पीड़िता के परिवार की निजता का सम्मान करें। साइबराबाद के कमिश्नर वीसी सजनार ने कहा कि हमें संदेह है कि आरोपी कर्नाटक में कई अन्य मामलों में भी शामिल थे। जांच जारी है। आज के एनकाउंटर पर एनएचआरसी के संज्ञान लेने के सवाल पर साइबराबाद के सीवीवीसी सजनार ने कहा कि हम सभी संबंधित राज्य सरकार एनएचआरसी जो भी संज्ञान इस मामले में ले रहे हैं उनका जवाब देने के लिए तैयार है। पुलिस ने एनकाउंटर पर जानकारी देते हुए कहा कि मुठभेड़ के समय आरोपियों के साथ लगभग 10 पुलिस थी। हमने घटनास्थल पर पीड़िता का सेलफोन भी बरामद किया है। सीपीवीसी सजनार ने एनकाउंटर को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि हमने आरोपियों से 2 हथियार भी जब्त किए हैं। आरोपियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस आरोपियों की जांच को हिस्से के रूप में आरोपी स्थल अपराधी स्थल पर ले गई थी। इसके बाद आरोपियों ने पुलिस पर लाठियों से हमला किया और फिर हमने हथियार छीन लिए और उन्होंने पुलिस पर गोलाबारी शुरू कर दी। हैदराबाद एनकाउंटर के बाद आई तस्वीरों में एक आरोपी के हाथ में पिस्तौल देखी गई। यहां आज पुलिस ने मुठभेड़ में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के 4 आरोपियों को मार गिराया था। गौरतलब है कि हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 27 नवंबर की रात को 4 ट्रक ड्राइवरों और क्लीनर ने मिलकर महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप और पेट्रोल जलाकर मारने जैसे अपराध को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद से दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। आइए अब आपको ले चलते हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास। देखिए अनिल विज आज हुए हैदराबाद एनकाउंटर पर किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। मामले पर क्या कहेंगे? देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ, परंतु अच्छा हुआ। जो रेप पीड़िता थी उसको इंसाफ मिला। निर्भया कांड में 7 साल हो गए, अभी तक उसको आरोपियों को सजा नहीं हो पाई। मेरा कहना तो ये है कि नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए और ऐसे केसेस की समरी ट्रायल होनी चाहिए। और समरी ट्रायल में आप शहर के मौजूद लोगों को एज जूरी मेंबर भी उसमें बिठा सकते हैं और समरी ट्रायल में फैसला करके उनको सजा दे देनी चाहिए। उसकी कोई अपील और कोई दलील नहीं होनी चाहिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।